नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधर्म दिवस समारोह को किया संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और इनोवेशन हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। और रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आतिशबाजी के साथ हुआ आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल से गुजर रहा है और यह परिवर्तनकारी यात्रा 2047 तक संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश का उदय विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास की रूपरेखा में अभूतपूर्व और सकारात्मक परिवर्तन होंगे। उन्होंने कहा कि देश भगवान बुद्ध की कालातीत शिक्षा का अनुसरण करते हुए देश एक नई दिशा में बढ़ रहा है। 21वीं सदी का यह समय आज विश्व की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का आह्वान किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपनी संस्कृति और मूल्यों पर गर्व करें। अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को और विशेष रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व और महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जा रही है। मॉरिटानिया और भारत के बीच अहम मसलों के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने संस्कृति, विदेश कार्यालय संस्थानों, विदेश कार्यालय परामर्श, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समेत 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और मॉरिटानिया विदेश मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। राजनयिकों के प्रशिक्षण सहित लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मॉरिटानिया विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। वहीं राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं में छूट के अलावा दोनों देशों के बीच कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। श्री सैनी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
पंचकुला के शालीमार मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कल नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और इनोवेशन हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। MOU पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा और रोजगार सचिव डॉ एस भारतीदासन तथा गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने इनोवेशन हब गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्टअप्स और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित अखिल भारतीय वर्ण खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज पारंपरिक वेशभूषा और परिधानों के साथ विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट से किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वन कर्मियों की अहम भूमिका होती है। वन कर्मियों के लिए खेल का विशेष महत्व है। खेल से एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए वन विभाग की मेहनत काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वन विभाग का 27वां खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार वन विभाग का और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को इस प्रतियोगिता के लिए चुना और यहाँ बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो युवा भी हैं और जवान भी हैं, केदार कश्यप जी को और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी तैयारी किए हैं और इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी जगह से हमारे वन विभाग के खिलाड़ी यहां पर आए हैं और उनका भी स्वागत है इस छत्तीसगढ़ की धरती में। और ये कामना है ये 5 दिन का ये खेलकूद का आयोजन है ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ की अच्छी याद लेकर वापस जाएं। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय T20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जय जोहार के उद्बोधन से अपनी बात रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की मेजबानी में इस खेलकूद प्रतियोगिता में 26 खेल की 300 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। यह प्रतियोगिता 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी के अलग अलग खेल मैदानों में होगा। इसमें देश भर से लगभग 3,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
सीमा सुरक्षा बल में राजनांदगांव जिले की दो बेटियां चयनित हुई हैं। बीएसएफ की ट्रेनिंग लेकर लौटी इन दोनों बेटियों का रेलवे स्टेशन में फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। देश सेवा का जज्बा पाले हुए इन बेटियों ने शहर के मोहरा क्षेत्र में सुरक्षा बल में जाने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण हासिल किया और इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में जाने आवेदन किया और पहली बार में ही उनका चयन हो गया। शहर के समीप ग्राम सिंघोला की बेटी ललिता साहू ने इसका श्रेय अपने गुरुओं को दिया है। वहीं ग्राम साकरा की गामिनी साहू ने भी मोहरा में प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया था और उसका चयन भी बीएसएफ के लिए हुआ है। मैं देखती थी लड़कियों को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, लड़कियां डरती हैं आगे बढ़ने से, कहीं गाँव से निकलने का अवसर नहीं मिलता, तो सारा देख के और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बेटियों को भी चाहिए कि आगे बढ़े, फैमिली को सपोर्ट करे, सब देख के लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। अपने गांव की जो पहले लड़की हूँ लग गई है कि 12वीं सिलेक्शन हो गया और सिकर डिफेंस एकेडमी से मैं ट्रेनिंग की थी, वहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे सर थे ओपी साहू सर और देवेंद्र सर भी थे, वहाँ पढ़ाया भी जाता है और फिजिकल भी किया जाता है, बहुत अच्छा होता है वहाँ। तो वहाँ डेली फिजिकल के लिए जा रही थी, सिलेक्शन हो गया, अपने गांव की पहली बेटी बनी, जब मैं पहली बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मैं लगी हूं जॉब में। बीएसएफ में इन लड़कियों को प्रारंभिक तैयारी का प्रशिक्षण देने वाले ओम प्रकाश साहू और देवेंद्र कुमार देवांगन ने बताया कि 2023 बैच में दो लड़कियों और चार लड़कों का चयन केंद्रीय सुरक्षा बल में हुआ है, जिसमें गामिनी और ललिता सहित तीन लड़के बीएसएफ में शामिल हैं। दोनों जो गर्ल्स हैं, बाकी मेरे एकेडमी से अभी तक 17 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 2022 में मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था और 2022 से लेके अभी 2 साल हो गए, 2 साल में 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और ये 2023 के बच्चे हैं जो बीएसएफ में गए हैं, उसमें दो लड़कियां हैं। गामिनी साहू और ललिता साहू ने अपने अपने गाँव की पहली महिला बीएसएफ जवान बनने का गौरव हासिल किया है। कबीरधाम जिले के ग्राम लोहारी डीह निवासी शिवप्रसाद उर्फ कचरू साहू की हत्या का खुलासा हो गया है। बीते 15 सितंबर को कचरू साहू का शव मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थाना बिरसा के ग्राम बिजटोला में संदेहास्पद अवस्था में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने के अपराध के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में थाना बिरसा में अपराध दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडी क्षेत्र के सनसनीखेज शिवप्रसाद उर्फ कचरू साहू के वर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि इसमें चार आरोपियों ने मिलके इसको एक साजिश के रूप में अंजाम दिया था। जो आरोपी हैं इसमें आरोपियों के नाम है टेकचंद पिता संतुलाल पटेल, दिनेश पिता रघुनाथ साहू, रोमन पिता संतुलाल साहू, राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने। इसमें दिनेश और रोमन साहू ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके साजिश करता रहे हैं। इनके ऊपर दो दो आपराधिक रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दर्ज किए गए हैं और इनकी व्यक्तिगत रंजिश इनके परिवार की जो मृतक है कचरू साहू उनके परिवार से थी। इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह को किया संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और इनोवेशन हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। और रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आतिशबाजी के साथ हुआ आगाज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।